नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक थोड़ा सारिआं दा ज्योतिष दे सब तो खास ते पॉपुलर प्रोग्राम तुहाडे सितारे पीटीसी दे उत्ते तहे दिलो स्वागत कर दिया। अपने मेंटोर, अपने गाइड, अपने फादर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी दी गाइडेंस नाल मैं डिस्कस करूंगी दिन दा पंचांग ते राशिफल। सब तो पहला अज दा पंचांग। अज 20 अक्टूबर 2022 दिन बृहस्पतिवार, कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी शाम के 4:01 तक। अज सारा दिन गंडमूल रहेंगे पर पंचक का कोई योग नहीं होएगा। गल करिए राहु काल दी, ते दोपहर दे 1:31 तो लैके दोपहर दे 2:56 तक राहु काल दा समा है। एक होर इनऑस्पिशियस टाइम जिन्हों की यमगंधम काल कहंदे ने, ओ सवेर दे 6:23 तो लैके सवेर दे 7:39 तक दा समय है। इहदे विच कोई भी जरूरी काम करन नूं बचना चाहिए। हुण गल करिए शुभ समय दी, जिहदे विच कोई जरूरी काम आप अज कर सकते हैं। तो लाभ का जिहड़ा समय है वह दोपहर के 12:09 तो लैके दोपहर के 1:25 तक का समा रहेगा। एक होर शुभ समा शाम के वेले भी मिल रहा है, जिहड़ा कि शाम को 4:26 तो लैके शाम के 5:51 तक का समा होएगा। अज का दिन एरीज यानी मेष राशि वाले वास्ते काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड से सिग्निफिकेंट रहेगा। हुण गल करांगे दिन दे राशिफल दी। सब तो पहला एरीज यानी कि मेष राशि, तुहाडे वास्ते फाइनैंशियली दिन जिहड़ा है वह काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। कितों ना कितों अच्छा मुनाफा तुहानू हो सकता है जे तुसीं लगातार जिवें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो करंसी च इनवैसट करते रहने हो, तो उत्थों हुण तुहानू गेन्स जरूर मिल सकते हैं। सेहत संबंधी थोड़ी टेंशन भी दूर हुंदी हुई नज़र आ रही है, खासकर जे माइग्रेन या सिर दर्द दी परेशानी चल रही सी, तो हुण तुहानू उहदे कोलों निजात मिल सकता है। प्रोफेशनली दिन थोड़ी जिही अटेंशन मंगदा है, कोई वड्डे डिसीजन लैण तों बचना चाहिए, तो ओवर कॉन्फिडेंस च कोई चीज़ां कमिट अज नहीं करनियां चाहीदियां। थोड़े वास्ते अज लकी नंबर रहेगा 6, लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। तो तुसी उपाय की करना है, अज जे शनि जी नूं तिल दा तेल चढ़ाया जावे तो तुहाडे वास्ते दिन काफ़ी शुभ रहेगा। टॉरस यानी वृष राशि वालों वास्ते सब तो पहला खुशखबरी आ रही है करियर फ्रंट तो। जे तुसी अपना बिजनेस कर रहे हो तो ना कोई पार्टनरशिप च कोई नवी चीज़ तुसी शुरू करना चाह रहे सी, तो उहदे वास्ते भी दिन शुभ है। लव लाइफ भी थोड़ी हुण इंप्रूव हुंदी हुई नज़र आ रही है, एक दूजे नूं लैके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी वधेगी। फाइनैंशियली दिन मिला जुलिया रहेगा, कितों ना कितों पैसा मिल सकता है, पर नजायज़ खर्चे भी अज तरह तुहानूं परेशान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजन लैन तो अज तुहानूं बचना चाहिए। तुहाडे वास्ते लकी नंबर अज रहेगा 15, लकी कलर रहेगा फिरोजी। तो तुसी उपाय की करना है, अज किसी भी 10 साल तो छोटी कन्या नूं तुसी कुछ चॉकलेट्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ जूसिस दे के ते उन्हां तो उन्हां नूं पैर छू के उन्हां तो आशीर्वाद जरूर लैना है। जेमिना यानी मिथुन राशि वालों वास्ते ओवरऑल दिन जिहड़ा है वह ओके ओके नज़र आ रहा है, पर फिर भी खुशखबरी तुहानू मिलेगी फैमिली फ्रंट वाल। थोड़े घर के छोटे यानी कि थोड़े छोटे भैन भरा होन या बच्चे होन, उन्हां तो कोई खुशखबरी मिलन दे योग बन रहे हैं। किसी की कोई अचीवमेंट घर खुशनुमा माहौल बना सकती है। प्रोफेशनली दिन मिलिया जुलिया नज़र आ रहा है, किसी नूं जे बॉस ने तुहानू कोई सीक्रेट्स नाल ट्रस्ट किया है तो कोशिश करो अगे उन्होंने कोई भावें थोड़ा कोई किन्ना भी क्लोज क्यों ना हो, पर तुसीं कैजुअली और सीक्रेट्स नूं शेयर नहीं करना। फाइनैंशियली दिन स्ट्रोंग नज़र आ रहे हैं, कितना कितने जे तो अज जे है नवे आइडियाज़ तुहानू क्लिक करेंगे कि तो अपनी सेविंग्स जी है वो वधाई जा सकती है। ट्रैवल नू लैके दिन बहुत खूबसूरत नहीं नज़र आ रहे हैं, इस करके कोई लोंग ट्रिप तो या लोंग डिस्टेंस ट्रैवल तो तुहानू अज बचना चाहिए। थोड़े वास्ते लकी नंबर अज रहेगा 9, लकी कलर रहेगा गोल्डन ब्राउन। तो तुसी उपाय की करना है, अपाहिज लोगों नू जे खाना खवाया जाए, भरपेट खाना खवाया जाए, तो दिन जिहड़ा है वह काफ़ी शुभ रहेगा। कैंसर यानी कर्क राशि वालों वास्ते सब तो पहला खुशखबरी आ रही है थोड़े करियर फ्रंट वालों। जे तुसी जॉब तुहानू नहीं हल तक मिली सी, तो हुण तुहाडे कोलों कोई इंटरव्यूज़ दे कॉल आ सकते हैं, तो तुसी इंटरव्यूज़ क्लीयर भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स वास्ते भी चंगा समय नज़र आ रहा है, थोड़ी मनचाही यूनिवर्सिटीज़ हुण एडमिशन हो सकता है। जे तुसी अपना बिजनेस कोई शुरू करना चाहते हो तो थोड़ी फैमिली का सपोर्ट तुहानू जरूर मिलेगा। सेहत संबंधी थोड़ी टेंशन दूर होंदी हुई नज़र आ रही है, खासकर तुहाडे च कुछ लोग अज दे दिन कोई नवा मेकओवर भी प्लान कर सकते हैं। कोई नवा है भावें वह ड्रेसिंग स्टाइल होवे या भावें वह लुक्स होन, कोई ना कोई नवी चीज़ थोड़े आउटलुक च आती हुई जरूर नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजन लैन तो तुहानू बचना चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल प्रॉपर्टी फ्रंट वास्ते अज नहीं नज़र आ रहा। थोड़े वास्ते लकी नंबर अज रहेगा 3, लकी कलर रहेगा वाइट। तो तुसी उपाय की करना है, किसी भी ब्लाइंड स्कूल जे अज किसी भी प्रकार की डोनेशन दी जाए तो काफ़ी शुभ रहेगा।
लियो यानी सिंह राशि वाले वास्ते सितारे कहते ने कि बाकी तो दिन ओके ओके है, काम चल ही जाना है, पर फाइनेंशियली तो बहुत सचेत होकर चलने की लड़ है। हो सकता है कि किसी की मिठिया मिठिया गलों च आके कोई यहोजी अमाउंट जी है इनवैस करो जितों अगे थोड़ू गे वापस रिटर्न मिलने बहुत समय लग जाए। इस करके खास ध्यान दे के चलना है, नजायज फिजूल खर्ची तो भी अज बच के चलना है। तो जे कोई लोग थोड़े को उधार मंगते हैं तो प्यार मिठे तरीके मना करना भी अज आना चाहिए। प्रोफेसनली दिन मिलिया जुलिया नजर आ रहा है, घरे भी तो कुछ डिमांड्स हो सकती ने, इस करके कोशिश करो कि एक बैलेंस जरा अपनी जिंदगी बना के जरूर चलो। थोड़े वास्ते अज लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा पिंक, तो तुम उपाय की करना है जो तो लाइफ टेंशन हो रही होवे ना, तो एक उपाय हमेशा काम करता है, वह है डांस या फिर लाफ्टर थेरेपी। तो इस करके इन्हों चो दोवे चो जो भी थोड़े वास्ते अज मुमकिन होवे जरूर प्रैक्टिस करो, थोनू जिंदगी दी टेंशन चो जरूर आराम मिलना शुरू होएगा। वर्गो यानी कन्या राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि अज ओवरऑल दिन ठीक है, प्रोफेशनली तुम ग्रो करोगे, कितना कितना नवा काम मिल सकता है, बिजनेस जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने वास्ते भी दिन काफ़ी चंगा है, नवे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, थोड़ी डिमांड जी है थोड़े का प्रोडक्ट की या सर्विस की होर बढ़ सकती है। पर फैमिली वालों थोड़ा जहा ध्यान देकर चलना चाहिए, हो सकता है परिवार का कोई सदस्य थोड़े को नाराज हो या अपसैट रहे, तो इस करके उन्होंने नाराजगी दूर किमें करनी है यह वास्ते थोड़ा जहा दिमाग अच्छ जरूर लाना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधित भी कोई डिसीजन अज लैन तो बचना चाहिए, खासकर जो थोड़ा कोई बारगेन प्राइस से कोई चीज़ यानी कि बहुत सस्ती कोई दामा से कोई चीज़ मिल रही है तो एक बार बिना उसकी वेरीफिकेशन कराए अगे नहीं बढ़ना चाहिए। थोड़े वास्ते लकी नंबर अज रहेगा 2, लकी कलर रहेगा पीच, तो तुम उपाय की करना है किसी भी धर्म स्थल से अज तुम कद्दू जाके दे के आना है, थोड़े वास्ते दिन काफ़ी शुभ रहेगा। लिब्रा यानी तुला राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि ओवरऑल दिन जड़ा है वधिया है, सिर्फ अपने रिश्ते च तनाव तो बचना चाहिए, कोई भी कहा सुनी कोशिश करो कि ना होवे, जे तुहानू एक दूजे की गल कोई नहीं पसंद ना कोशिश करो कि उन्होंने गल नू उत्थे ही छड़ दो किसी होर टॉपिक ते आ जाओ, नहीं तो जिन्ना आप उस चीज़ को डिस्कस करांगे वो आर्ग्यूमेंट जड़ा है वधदा जाएगा। प्रोफेसनली दिन मजबूत नज़र आ रहा, थोड़े फेवर च नज़र आ रहा है, जो तुम डांस ड्रामा थिएटर या स्पोर्ट्स नाल इंट्रस्ट रखते हो या उस फील्ड नाल जुड़े हुए हो तो तुहानू नवे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति भी नज़र आ रही है। सेहत संबंधित अज जड़ा है दिन अटेंशन जरूर मंग रहे हैं, इस करके अपने खान पान के उत्ते ध्यान रखना, खासकर जंक फूड के उत्ते कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होएगा। थोड़े वास्ते लकी नंबर अज रहेगा 1, लकी कलर रहेगा गोल्डन ब्राउन, तो तुम उपाय की करना है गणेश जी के चरणा च तुम फल फुल ते हरी इलायची चढ़ा के आनी है, जिन्नी भी टेंशन चल रही थी ना अपने आप हौली हौली छटनी शुरू हो जानी। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि फाइनेंशियली तो दिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जे कुछ तुसी घर की कोई आइटम तुसी खरीदना चाह रहे थे हुण मुमकिन होएगा, कुछ लोग जड़े है अपने बच्चों वास्ते भी कोई व्हीकल जड़ा है कोई कार बुक कर सकते हैं, कोई टू व्हीलर बुक कर सकते हैं, फैमिली नाल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, फैमिली नाल कितने घूमन जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। थोड़े जो कुछ लोग जड़े है वो कोई गैदरिंग कोई आउटिंग भी प्लान कर सकते हैं, नाल नाल गल करिए थोड़े प्रोफेसनल फ्रंट की, तो उत्थे हो सकता है सबमिट किया हुआ काम थोड़ा दोबारा करना पवे, इस करके अटेंशन जी है वो प्रोफेसनल फ्रंट अज जरूर मंग रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स वास्ते भी समा जड़ा है अपनी कॉन्सनट्रेशन वधाने वास्ते है, कितने ना कितने सिली मिसटेक्स थोड़ू महंगा पै सकदियां ने। थोड़े वास्ते अज लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा क्रीम, तो तुम उपाय की करना है अज किसी भी जरूरतमंद इंसान को तुम जो कोई उसकी जरूरत की दवाई तुम दवाने हो तो थोड़े वास्ते दिन काफ़ी शुभ रहेगा। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि प्रोफेसनली ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं चलना, खासकर जो तुम बॉस को कुछ प्रजेंट करना है तो एक बार थोड़े फैक्ट्स से डेटा थोड़ा क्लीयर होना बहुत जरूरी है। जो तुम फ्रीलांसिंग बेसिस पर काम करते हो सकता है क्लाइंट भी थोड़े काम तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो या थोड़े काम चो नुक्स या मीनमेक कढ़ने की कोशिश करे, उन्होंने क्रिटिसिजम नहीं लेना, उन्होंने इंप्रूव करन वास्ते तरीके जड़े है तुहानू लभने चाहिए है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट ही है जिन्हें होर काम देना है। इस करके अपना जिहड़ा पीस है ना दिमाग की शांति अज मन की शांति जी है जरूर बना के रखनी है, सेहत भी मिली जुली नज़र आ रही है, इस करके जिन्ना ध्यान आप अपने आप में जो स्ट्रैस्ड महसूस करावे तो सेहत भी कितने ना कि बिगड़ सकती है। स्ट्रैस फ्री रहना है, स्ट्रैस में इनवाइट आप नहीं करना, जे आ भी रहा है तो उन्होंने मैनेज किवें करना है, हूँ तो थोड़ा थोड़ा कम वो बारे करना सीखना चाहिए। थोड़े वास्ते अज लकी नंबर रहेगा 18, लकी कलर रहेगा मजेंटा, तो तुम उपाय की करना है अज तुम जे श्री विधेश्वरी चालीसा का पाठ करते हो या सुनते हो तो थोड़े वास्ते काफ़ी शुभ रहेगा।
ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਯਾਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ 20 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 11 ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਸਕੋ ਤੇ 5 ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਕੁਏਰੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੈਵਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੋਮਪਟੂ ਟਰੈਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅਪਸੈਟ ਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 2 ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਪਿੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਿੰਪਲ ਮੰਤਰ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਾਈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਵੈਲ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਪਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਜੋਬਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਏਜੰਟਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਰਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਾਇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 11 ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਛੱਲਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ 'ਚ ਜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਫਲ ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ